भारत देश में भगवानों के प्रति सच्ची आस्था रखी जाती है, भगवानों के प्रति सच्चा विश्वास रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पूजा अर्चना करके मनुष्य को अपने हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, और ये बात कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी मानी जाती है। मनुष्य को अपनी सभी परेशानियों का हल भगवान के घर जाके ज़रूर मिलता है। भगवान शनिदेव, जिनकी गिनती भगवानों में भी की जाती है और जिन्हें ग्रह के रूप में भी पूजा जाता है। आप लोगों को बता दें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि ग्रह को सबसे गुस्सैल ग्रह माना जाता है। अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली में ठीक स्थिति में ना हो तो इसकी वजह से उस राशि के लोगों को बहुत सी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसकी स्थिति अगर ठीक हो तो जीवन में बहुत सी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती है और इस राशि के व्यक्ति को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। अब आपको इस बात की जानकारी दे दें कि नए साल के शुरू होते ही, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब थोड़े ही समय में नए साल की शुरुआत हो जाएगी और नए साल की शुरुआत होते ही 24 जनवरी को मकर राशि में शनि गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ राशि के लोगों के ऊपर से शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये 5 राशियां बेहद भाग्यशाली रहने वाली है, क्योंकि साल 2020 में ये लोग शनि की साढ़े साती से मुक्ति पा रही हैं और इसी के साथ और भी कई तरह के प्रभाव इन्हें अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं उन 5 राशियों का हाल जिनके ऊपर से साल 2020 में शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है। तो इस क्रम में पहला नाम आता है वृषभ राशि वाले लोगों को। आपको बता दें कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला है। इसकी वजह से आप लोगों की सेहत ठीक रहेगी, आपको अपनी मेहनत के अनुसार लाभ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, आपका मन अब कामकाज में लगने वाला है। कार्यस्थल में आप लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। आप जिस समय का काफ़ी लंबे से अपने जीवन में इंतज़ार कर रहे थे वो अब इस राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। तो अगली राशि जो है जिसके ऊपर से शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है वो है कर्क। बता दें आपको कि साल 2020 इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आप लोगों को अपने व्यवसाय में भारी मुनाफा मिलने वाला है और आप लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। विदेश से आप लोगों को खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। संतान की सेहत अच्छी रहेगी और आप लोगों को साल 2020 में वाहन सुख की भी प्राप्ति होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो अगली राशि है सिंह। बता दें आपको कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन अच्छा माना जा रहा है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, घर परिवार के लोगों का आप लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है और इसी के साथ आपके द्वारा की जा रही मेहनत और संघर्ष का अब आप लोगों को साल 2020 में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कार्यस्थल में आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और इसी के साथ आप लोगों का मानसिक तनाव भी दूर हो रहा है। चलिए बताते हैं आपको अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो अगली राशि है तुला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि तुला राशि वाले लोगों को विशेष लाभ हो रहा है। साल 2020 में शनि के इस राशि परिवर्तन की वजह से अब इन्हें अपने जीवन में सफलता मिलने वाली है। पुराने नुकसानों की भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जो आप लोगों की परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो भी अब खत्म हो रही है। जो लोग विदेश जाने का मन बना रहे हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों की ये इच्छा भी अब साल 2020 में पूरी हो सकती है। चलिए बात करते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। तो अंतिम राशि कोई और नहीं बल्कि धनु है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन उनके लिए बेहद खास रहने वाला है।
इनके जीवन में अब इन्हें सफलता मिलेगी। इस राशि के लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत से अब मार्ग हासिल होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यापार में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाले हैं। आपको अपने कामकाज के अच्छे रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ शनि की साढ़े साती खत्म होने की वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो ये थी वो पांच भाग्यशाली राशियाँ। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।